जो यूपीएससी का पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, तो उसको हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसको चार पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो ए पार्ट है, उसमें फर्स्ट पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, जो इसका बी पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक, इसी तरह से जो है ये फर्स्ट पेपर रहेगा और दूसरा जो है ये सेकंड पेपर रहेगा। तो सेकंड पेपर में हम लोग जो है इसके भी दो पार्ट करेंगे, एक ए पार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, और दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का डिस्कशन जो है 4 खंडों में हम लोग करेंगे। चूंकि प्रश्न ज्यादा है इसलिए हम लोग 4 खंडों में इसको डिवाइड कर दिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, जो आईएएस 2022 में जो पेपर आया हुआ है उसमें जो है जो पहला प्रश्न है, तो आपको पता ही है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे फर्स्ट पेपर है तो इस फर्स्ट पेपर में जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है और फिर जो है 5 6 7 और 8, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो देखा जाए तो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इस तरह से जो पेपर आता है इसमें हम लोग को 8 प्रश्न जो दिए रहते हैं, 8 प्रश्न, उसमें से हम लोग को 4 प्रश्न करना होता है। तो मैं बताया कि जो पेपर आते हैं पॉलिटिकल साइंस में उसमें जो फर्स्ट पेपर जैसे है, तो फर्स्ट पेपर में जैसे पार्ट ए है तो पार्ट ए में जो है 4 प्रश्न होते हैं, पार्ट बी है तो पार्ट बी में जो है 4 प्रश्न रहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो पार्ट ए है उसमें इंडियन थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर है और थ्योरी है, और पार्ट बी में जो है आईजीपी है और नेशनल मूवमेंट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है ये कंपल्सरी है। इसके बाद जो है आप जानते हैं कि इसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है, फिर इसमें से कोई एक प्रश्न करना होता है, और इसके बाद जो प्रश्न बच जाते हैं उसमें से आपको एक प्रश्न और करना है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 5 तो करना जरूरी है, फिर आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 7 किया, तो अब आपके पास क्या बच गया, 3 4 6 8, उसमें से कोई भी एक प्रश्न कहीं से भी कर सकते हैं। खैर ये आप लोग जानते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो पहला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 प्रश्न आते हैं कंपलसरी, वो हम लोग पहला प्रश्न उस पर डिस्कस करते हैं। तो आप देखते हैं कि 150 शब्द में लिखना होता है, तो व्यवस्था उपागम लिखा है, सिस्टम अप्रोच। तो आप जानते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले एक 4 लाइन का भूमिका लिख दीजिए। चूंकि 150 शब्द में लिखना है तो आप ज्यादा लिख नहीं सकते हैं, आप सिस्टम अप्रोच में सीधा लिखिए कि डेविड ईस्टन और आमंड ने जो है व्यवस्था सिद्धांत दिया है। डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था सिद्धांत है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, और जो आमंड का व्यवस्था सिद्धांत है उसको इनपुट आउटपुट फंक्शन कहा जाता है। और उसके बाद जो है उसमें बताइए कि व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से जो है किसी भी देश में जो है किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था चलती है, राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से जो है चीजों को रखा जाता है और किस प्रकार से सरकार निर्णय लेती है, उसको समझाने का प्रयास जो है डेविड ईस्टन और अमन ने किया। 4 लाइन का भूमिका पर लिखे। उसके बाद आपने क्या किया कि डेविड ईस्टन का जो आप फिगर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि इसमें इनपुट है, फिर ये जो है पॉलिटिकल सिस्टम है, और ये जो है वो देखा जाए तो आउटपुट है। इस फिगर को आप बना देंगे, ये फीडबैक है, और फीडबैक ये आपने बनाया, और बनाकर इसी में 2 3 लाइन नीचे समझा देंगे। और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे कि आमंड का जो फिगर हमने बनाया था क्लास में उस फिगर को बना देंगे। तो जैसे आमंड ने क्या किया, आमंड ने जो है आप देखते हैं कि आमंड ने क्या किया, आमंड ने भी यही फिगर बनाया, लेकिन आमंड ने इनपुट को जो है वो देखा जाए तो थोड़ा सा व्यापक स्वरूप में देखने का प्रयास किया। उसने कहा कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है एंड रिक्रूटमेंट होता है इनपुट में, फिर जो है उसने कहा कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन होता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है। तो ये 4 चीजों में लिखवाया था वो आपने यहां पर लिख दिया। और फिर इसके बाद जो है रूल मेकिंग है, रूल एप्लीकेशन है, रूल एडजुडिकेशन है, इस तरह से बनाकर यहीं पर 2 लाइन आपने लिख दिया। और फिर पैरा चेंज करके इसी में 1 2 समस्या और 1 2 महत्व आपने लिख दिया। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी जो भी समस्या है, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि व्यवस्था कैसे चलती है लेकिन क्रांति कैसे होती है, इसके बारे में तो कोई चर्चा हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए आमंड ने भी जो सब व्यवस्था दिया तो कहीं ना कहीं माना कि राजनीतिक दल जो है वो देखा जाए एकीकरण का साधन है, लेकिन आप देखते हैं कि राजनीतिक दल व्यवहार में एकीकरण नहीं बल्कि जो है
गुटबंदी का प्रयास करते हैं, जिससे जो है समस्या उत्पन्न होती है। उसी में एक दो लाइन जो है आपने क्या किया, समस्या जोड़ दिया, और उसी में एक दो लाइन आपने जो है महत्व जोड़ दिया कि कम से कम डेविड स्टन और आमंड ने जो है आम व्यक्ति को जो है एक दृष्टिकोण दिया कि हम लोग किस तरह से व्यवस्था चलाते हैं, किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था चलती है, राजनीतिक व्यवस्था को तथ्यात्मक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो है वो देखा जाए तो निरूपित करने का प्रयास किया है। उसी महत्व में से जो मैंने आपको चार पांच महत्व लिखवाया था, उसी में से एक दो महत्व और एक दो समस्या लाकर नीचे सेट कर दिए, बस इतना ही काम इसमें है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर एक का बी है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म। तो कल्चरल जो रिलेटिविज्म है, तो आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को जो है बहुत संस्कृतिवाद पढ़ाया था, मल्टी कल्चरल प्रस्पेक्टिव पढ़ाया था, उसी से संबंधी जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बारे में जो है, जैसे मान लीजिए पहले आपने क्या किया, पहले एक भूमिका लिखा, फिर उसके बाद कुछ जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का कुछ आपने विशेषता लिख दिया या उसका सिद्धांत लिख दिया, फिर आपने क्या किया इसका एक मूल्यांकन लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए सांस्कृतिक सापेक्ष 1970 के बाद जो उदारवाद है, उस उदारवाद के प्रति जो है प्रतिक्रिया स्वरूप आया, मुख्यतः मार्शल या वाल्जर या जोसेफ रेज, इस तरह के विचारकों ने जो है इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। और आप जानते हैं कि ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद जो है समुदायवाद का ही स्वरूप है। जो समुदायवादी विचारधारा है, जो आप लोगों को राल्स पढ़ाते समय मैंने पढ़ाया था, तो समुदायवादी विचारधारा को ही इन लोगों ने जो है एक प्रकार से देखा जाए तो व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयास किया। अब उसमें से दो चार लाइन भूमिका आपने लिखा, फिर इसके बाद दो चार आपने विशेषता लिख दिया कि बताइए। पहला चीज देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि विभिन्न धर्म जाति भाषा के जो लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को जो है वह देखा जाए तो सब लोगों को मान्यता देना, सब लोगों को जो है व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास करना, मतलब पहचान की राजनीति को बढ़ावा देता है और कहता है कि ऐसे समाज की रचना करनी चाहिए जहां पर जो है इन सभी चीजों को, बहुसंस्कृतिवादी विचार को जो है स्वीकार किया जाए और उसको लेकर विविधता में एकता को बढ़ावा दिया जाए, सभी समुदाय सभी धर्म जाति के अधिकारों की रक्षा की जाए, सबके जो है वो देखा जाए तुम्हारी ये जो भाषा है चाहे उनकी जो आवश्यकता है उसके संदर्भ में विचार होना चाहिए। तो इन लोगों ने एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो उदारवाद है, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता है, इन सब चीजों का जो है इन लोगों ने कहा कि विरोध किया और ये माना कि वास्तव में सामान्य हित की जो हम लोग बात करते हैं, जैसे समाजवाद समान हित की बात करता है, तो इन लोगों ने कहा कि सामान्य हित वास्तव में देखा जाए तो हो ही नहीं सकता है, विविधता के संदर्भ में हम लोग को हितों की बात करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं रोहिंग्या लोग भारत में आ गए तो उनके हितों की भी बात होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोग के यहाँ जो है हिंदू है, हिंदू लोगों के साथ जो है अल्पसंख्यक में आप देखते हैं कि मुस्लिम लोग हैं, पारसी हैं, सिख लोग हैं, सब लोग हैं, तो सबके हितों की बात की जाए। तो इन लोगों ने कहा कि वास्तव में देखा जाए तो समूह के अधिकारों की बात इन लोगों ने किया और अधिकार का वास्तविक अर्थ यह है कि वास्तव में समानता मिलना चाहिए, विभिन्न समूहों के बीच जो है जो अंतर है उसका समायोजन करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बहुसंस्कृतिवाद बताया था, तो उस बहुसंस्कृतिवाद में से जो है दो तीन विशेषता यहाँ पर आपने लाकर लिख दिया। जैसे मान लीजिए भिखू पारेख साहब भी इसको मानते हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो सामूहिक पहचान है उसको कायम करने में जो उदारवादी न्याय प्रणाली है उसमें बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों को जो है समुदाय के दृष्टिकोण में न्याय करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब लोगों की संस्कृति अलग है, सबकी आवश्यकता अलग है, तो उस संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। दो चार विशेषता आपने लिखा और फिर इसके बाद आपने एक जो है मूल्यांकन लिख दिया कि भाई हमें कहते हैं कि इनका दृष्टिकोण वर्तमान संदर्भ में जो है वह देखा जाए तो बहुत हद तक समीचीन प्रतीत होता है, प्रासंगिक प्रतीत होता है, लेकिन इस विचारधारा को भी हम पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जैसे देशों में जो है बहुत ज़्यादा विविधता है और यदि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात करना शुरू कर देंगे तो भविष्य में अलग अलग अधिकारों की मांग होगी, जिससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होगी, राज्य सरकार जो है देखा जाए तो उसको मैनेज करने में सफल नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं जो है वोट बैंक की राजनीति को भी बढ़ावा मिलेगा, जातिगत समीकरण ज़्यादा मजबूत होंगे। इस तरह से देखा जाए तो
सांस्कृतिक सापेक्षवाद के साथ जो है एकीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार करने की आवश्यकता है, बस इतना ही लिखना है। मैं बताया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी, स्थायी रूप से क्रांति, रिवोल्यूशन इन परफॉर्मेंस। तो देखिए, ये वास्तव में लेनिन का जो सिद्धांत था, जो मार्क्स ने सिद्धांत दिया था, जो लेनिन ने उसमें परिवर्तन किया, उसी ने जो है स्थायी क्रांति के विचार को आगे बढ़ावा दिया। अब फिर आप देखते हैं कि लेनिन ने क्या कहा था कि वैचारिक आधार पर भी क्रांति करने की आवश्यकता है। मार्क्स विचारधारा को नहीं मानता था, मार्क्स विचारधारा को फाल्स कंसेंसस कहता था। लेनिन ने विचारधारा को स्वीकार किया, संगठन को स्वीकार किया, दल को स्वीकार किया। अब फिर आप देखते हैं कि ग्राम्सी, जो ग्राम्सी आगे मैं आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो ग्राम्सी भी कहता है कि कहीं ना कहीं क्रांति का जो सिद्धांत दिया उसने कहा कि वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ खूनी क्रांति से क्रांति नहीं होगी, सफल नहीं हो सकती है, हम लोग को वैचारिक क्रांति करनी पड़ेगी। और उसने वैचारिक क्रांति को समझाने के लिए कहा कि वास्तव में देखा जाए तो पूंजीपति जो है वह हेजोमोनी के माध्यम से अपनी व्यवस्था चलाता है। जब तक हम लोग इस प्राधान्य को, हेजोमोनी को नहीं तोड़ेंगे, तब तक वास्तविक क्रांति नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक क्रांति से पहले जो है विचार के स्तर पर क्रांति करने की आवश्यकता है, वैचारिक क्रांति करने की आवश्यकता है। अब वैचारिक क्रांति में उसने समझाया था कि वार ऑफ पोजीशन और वार ऑफ मूवमेंट, स्थितियों का युद्ध और गतिशील युद्ध। तो उसने बताया था कि वास्तव में स्थितियों के युद्ध का मतलब है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था के जो समर्थक हैं उनके विचारों का हम लोग को विरोध करना पड़ेगा। सर्वहारा का जो विचार है, जो समाजवाद का विचार है, उस समाजवाद के विचार को फैलाना होगा। अब फिर उसने कहा कि वास्तव में देखा जाए तो जब धीरे धीरे हम लोग इस तरह से विचारों को फैलाएंगे तभी हम लोग जो है आगे देखा जाए तो परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। और यहाँ पर जो गतिशील युद्ध है, वार ऑफ मूवमेंट है, वार ऑफ पोजिशन के बाद वार ऑफ मूवमेंट होगा। तो आप देखते हैं कि ग्राम्सी ने जो है स्थायी रूप से क्रांति के विचार को आगे बढ़ाया। ये सब समझाना है, और समझाने के बाद जो है थोड़ा सा उसका व्यवहारिक भी लिखना है कि उसने बताया कि जो अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वहां पर क्रांति क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहां पर हम लोग प्राधान्य को नहीं तोड़ पाए। लेकिन देखा जाए तो हमें कहते हैं कि रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई। तो उसने समझाया कि रूस और चीन में क्रांति क्यों हुई, इसीलिए तो क्रांति हुई क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर देखा जाए तो हम लोग धीरे धीरे आम जनता जो है, आम जनता से लोग जुड़ गए और इस तरह से आम जनता के माध्यम से व्यवस्था को बदल दिया गया। ये सब इसमें लिखना है। इसी में अब मूल्यांकन मान लीजिए आपको लिखना है तो दो लाइन मूल्यांकन लिख देंगे कि आप देख रहे हैं कि मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया उसको लेनिन ने आगे बढ़ाया, लेनिन के सिद्धांत को जो है वो देखा जाए तो आगे फिर ग्राम्सी आता है, फिर मान लीजिए हन्ना अरेंट ने भी कुछ उसमें योगदान दिया, स्टालिन ने भी योगदान दिया। तो ये जो स्थायी रूप से क्रांति का विचार है वो बहुत सारे विचारकों ने जो है, और जो प्राधान्य का सिद्धांत ग्राम्सी ने दिया है उसी के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। दो लाइन उसी में आलोचना लिख देंगे, एक दो महत्व ग्राम्सी का लिख देंगे जो हमने लिखवाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, शॉर्ट नोट्स है कि शक्ति के आधार, बेसिस ऑफ पावर। तो बेसिस ऑफ पावर में क्या लिखना है, सबसे पहले जो है थोड़ा सा शक्ति के बारे में लिख दीजिए, और फिर सीधा सा शक्ति का आधार लिख दीजिए, पॉइंट में लिख दीजिए, बस एक इसका मूल्यांकन लिख दीजिए, इतना ही लिखना है इसमें। अभी बताइए शक्ति क्या है, बहुपक्षीय तत्व है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार की शक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि मानव स्वभाव का एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में है, शक्ति मानवीय संबंध के रूप में है, शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया के रूप में है। और इस तरह से शक्ति का मतलब होता है कि शक्ति में कम से कम दो कर्ता होना चाहिए, या एक समूह होना चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए, एक प्रभु होना चाहिए, एक अधीनस्थ होना चाहिए। और प्रत्येक शक्ति किसी न किसी के अधीन होती है। और सबसे बड़ी बात है कि शक्ति वास्तविक और संभावित दोनों स्वरूपों में दिखाई देती है। तो शक्ति कोई स्थिर अवधारणा नहीं है, शक्ति भी गतिशील अवधारणा के रूप में है जो परिस्थिति और समय के अनुसार जो है बदलती रहती है। इसीलिए शक्ति को हम लोग जो है सापेक्षिक अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो पहले इसको चार लाइन भूमिका लिख दिए शक्ति के बारे में, और फिर सीधा सा शक्ति का आधार लिख देना है। भाई शक्ति का आधार क्या है, जैसे ज्ञान, नॉलेज, तो नॉलेज के बारे में चार लाइन लिख दिए। फिर मान लीजिए शक्ति का जो आधार है उसमें उपलब्धि क्या है, अचीवमेंट क्या है, उसके माध्यम से भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद तीसरा आधार क्या हो गया, संगठन और आकार हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो
जो देखा जाए तो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से भी शक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैंने सत्ता पढ़ाया था, तो सत्ता से भी जोड़ के लिख दिए कि भाई शक्ति का संबंध सत्ता से भी तो है, उसका आधार सत्ता भी तो है। जिसके पास सत्ता होगा वो शक्ति का प्रयोग करेगा। इसी का देखते हैं कि लोगों का विश्वास कितना है, किस विचारधारा के आधार पर आप व्यवस्था चलाते हैं या क्या आप एक्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शक्ति का एक आधार जो है परिस्थिति भी है, कि परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में सर्कमस्टांसेस क्या क्या है, किस परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेते हैं, यह भी शक्ति के आधार के रूप में जाना जाता है। ये सब व्याख्या लिखेंगे और फिर चार लाइन इसी में जो है शक्ति के बारे में समस्या करके मूल्यांकन लिख देंगे। कि जैसे मान लीजिए सब करिए, आप देखते हैं शक्तिगतशील अवधारणा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका निरपेक्ष प्रयोग तो हो नहीं सकता है, शक्ति का प्रयोग उसके उद्देश्य से ही सीमित हो जाता है। तो शक्ति का जो आधार तत्व है वो भी बदलता रहता है। पहले देखा जाए तो मान लीजिए हमें कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती थी, आज तो ये नहीं चलता है ना। आज तो ज्ञान है, अभी मैं बताया कि तमाम चीजें शक्ति के रूप में जुड़ गई है। और फिर शक्ति के प्रयोग पर जो है इतिहास, परंपरा, धर्म, नैतिकता का भी प्रतिबंध होता है। लेकिन उसी में एक लाइन महत्व लिख दिए, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप है, राजनीतिक जो विकास है, उसमें जो है वो देखा जाए तो शक्ति की अवधारणा जो है दिखाई देती है। क्योंकि शक्ति से ही सत्ता बनता है, शक्ति से ही प्राधिकार बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है एक का ई है, लाख का सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक चार लाइन का भूमिका लिख दीजिए। भूमिका लिखने के बाद जो है कुछ लाख का जो सिद्धांत है उसके बारे में बता दीजिए, कुछ विशेषता बता दीजिए, फिर इसका एक मूल्यांकन लिख दीजिए। इस मूल्यांकन में ही आपको क्या करना है, इसी में जो है समस्या भी लिख देना है और इसी में इसका महत्व भी लिख देना है, दोनों उसी में जोड़ देना है जिसमें आप लोगों को पढ़ाया था। कि बताइए लाख जो है, जो हाफ्स लाख रूसो है, सामाजिक समझौता सिद्धांत देते हैं, ये लोग मानव निर्मित संस्था मानते हैं, राज्य को मानव निर्मित संस्था मानते हैं और उसके लिए कहते हैं कि सब लोगों ने मिलकर आपस में समझौता किया। लाख ने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है समझौता की बात की और लाख ने बताया कि व्यक्ति जो है बहुत अच्छा प्राणी है और ऐसी दिशा में जो है जो प्राकृतिक अवस्था चल रही थी उसमें कुछ समस्या थी, स्पष्ट रूप से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं थी, इसीलिए लोगों ने जो है आपस में मिलकर समझौता किया। और लाख ने बताया कि इसमें दो समझौता किया गया, एक तो सामाजिक समझौता जिससे नागरिक समाज बना, जिसमें सब लोगों ने मिलकर किया, और दूसरा जो है राजनीतिक समझौता किया गया। उस राजनीतिक समझौता में जो है शासक और समाज के जो अन्य लोग थे उनके मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ जिससे सरकार का गठन हुआ। ऐसे चार लाइन पहले भूमिका लिख दिए, फिर उसका विशेषता में बताया था सिद्धांत, उसमें से तीन चार लिख दिए कि उसने दो समझौता किया, एक समझौता से नागरिक समाज बना और फिर दूसरा से राज्य और सरकार बन गया। और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर समझौते में कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को त्याग नहीं रहा है, बल्कि देखा जाए तो प्राकृतिक नियम की व्याख्या करने के लिए, दंड देने के लिए एक व्यवस्था बनाया जा रहा है। तो व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ अधिकारों को कम कर रहा है, इसीलिए इसको दार्शनिक सत्य कहा जाता है, इसको ऐतिहासिक तथ्य भी कहा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास में ऐसा समझौता अवश्य हुआ होगा, लाख ने ऐसा माना। तो लाख ने सरकार को ट्रस्ट के रूप में देखने का प्रयास किया, न्यास के रूप में देखने का प्रयास किया और कहा कि सरकार जो है सीमित है, जनसहमति के आधार पर सरकार चलता है और समझौता एक बार होने के बाद जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कोई समझौता जो है देखा जाए तो ये चलता रहेगा। और इस तरह से देखा जाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कोई जरूरी नहीं कि ये बाध्यकारी होगा, लेकिन सामान्य रूप से सरकार की व्यवस्था चलती रहेगी। ये आपने तीन चार विशेषता लिख दिया और फिर उसी में जो है एक दो समस्या और महत्व लिख दिया। कि हमें कहते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र इसी लाख की ही तो देन है, इसी ने तो पहली बार जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात किया। और फिर सबसे बड़ी बात है इसने नागरिक समाज की बात किया, इसने प्राकृतिक अधिकार की बात किया, यही प्राकृतिक अधिकार मानव अधिकार के रूप में दिखाई देता है और उसी में एक दो समस्या लिख दिए। लेकिन देखा जाए तो लाख ने जो सिद्धांत दिया उस लाख के सिद्धांत में देखते हैं कि बहुत सारा असमंजस भी दिखाई देता है। सबसे बड़ा असमंजस क्या है, सबसे बड़ा असमंजस यह है कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मेल ही नहीं खाता है। इसने प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की जो बात किया था प्रत्यक्ष लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। अब विरोधाभासी भी है क्योंकि बहुमत के शासन की बात करता है तो अल्पसंख्यक पर तानाशाही भी होगी, बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर दो, वर्तमान में नव उदारवाद के आधिपत्य को समुदाय, संस्कृति और राष्ट्र जैसे कारक कमजोर करते विवेचना करें। तो ये जो प्रश्न है
उसमें सबसे पहले जो है नव उदारवाद के बारे में लिखिए कि कल्याणकारी राज्य के बाद जो है आप जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य की जो कमियां थी उन्हीं कमियों के कारण जो है 1970 के बाद जो है नव उदारवादी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया। फिर आप जानते हैं कि चूंकि नव जो कल्याणकारी राज्य था उसमें भ्रष्टाचार की समस्या, अल्प उत्पादकता की समस्या, अक्षमता की समस्या या मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि, इन सब चीज़ों के कारण जो है ये लगा कि कहीं ना कहीं राज्य जो है असफल हो रहे हैं। इसी के कारण 1980 के दशक में जो है जो अनुदार दल है ब्रिटेन का, उसी अनुदार दल ने एक बैठक बुलाया था जिसको ब्लैकपूल सम्मेलन कहा जाता है। इसी ब्लैकपूल सम्मेलन में जो है नव उदारवादी एजेंडा तैयार किया गया था। यहीं से नव उदारवाद की शुरुआत होती है, उसको रोल बैक ऑफ द स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ से जो है नव उदारवाद की शुरुआत हुई। अब इसमें आप क्या करेंगे कि पहले समझाएंगे कि जैसे स्वेच्छा तंत्रवादी क्या कहते हैं, या मान लीजिए सबको करिए कि इसमें जो स्वेच्छा तंत्रवादी हैं, समतावादी हैं, जैसे राल्स है, थोड़ा सा उसके बारे में भी लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है भाई जैसे स्वेच्छा तंत्रवादी है, लिबर्टेरियनिज्म, तो ये लोग क्या कहते हैं, जैसे बर्लिन है, हेयक है, तो जिसमें आपको बताया भी था कि बर्लिन हेयक का थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देकर लिखा जाएगा कि राज्य को केवल जो है आवश्यक कार्य करना चाहिए, राज्य को जो है सभी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा उसको समझाएंगे। फिर थोड़ा सा जो है वो देखा जाए तो समतावादी जो विचारक हैं, मैकफर्सन है, अमृत सेन है, राल्स हैं, उसको आप समझाएंगे। और समझाने के बाद फिर उसके बाद जो मेन प्रश्न है कि समुदाय, संस्कृति और राज्य जैसे कारक कमजोर करते हैं, तो कैसे कमजोर करते हैं, इस पर हम लोग को फोकस करना है। तो आप देखते हैं कि जो नव उदारवाद है वो बुद्धिवाद की बात करता है, विवेकशीलता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति को ही साध्य मानता है। तो ऐसी स्थिति में यदि पूर्णतः स्वीकार कर लेंगे तो राष्ट्र की अवधारणा क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। सामाजिक हित की अवधारणा क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्योंकि स्वतंत्रता को पूर्णतः स्वीकार करने पर जो है ये भी तो हो सकता है कि अराजक की स्थिति उत्पन्न हो जाए, असमानता की समस्या उत्पन्न हो जाए, कुछ समुदाय आगे चले जाए, कुछ समुदाय पीछे ही रह जाए, कहीं ना कहीं संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि नव उदारवादी जो विचारधारा है उसका नव मार्क्सवादी भी आलोचना करते हैं, और नव मार्क्सवादी कहते हैं कि उदारवाद से ही तो नव उदारवाद निकला है, और यह अभी तो पूंजीपतियों का ही दर्शन है। और ऐसी दिशा में ये नव उदारवाद भी जो है एक प्रकार से मजदूरों का शोषण करेगा, इस तरह से समाज में असमानता बढ़ेगी, समाज में असमानता बढ़ेगी तो क्रांति की संभावना, क्रांति की संभावना तो राष्ट्र की जो अवधारणा है, एकीकरण की अवधारणा है, वो कमजोर हो जाएगा। और तीसरा चीज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नव उदारवाद जो है राज्य को कहता है कि यह भी मानव निर्मित संस्था है। और ऐसी दिशा में जो है जब विकासवादी सिद्धांत को तो स्वीकार करता नहीं, तो विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी दिशा में जो है पूंजीपति अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नव उदारवाद में भी तो पूंजीवाद की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। अब पूंजीवाद जब होगा तो अति प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा, समाज में अभी मैं बताया कि असमानता बढ़ेगा, व्यक्ति जो है समाज, परिवार, सहचर से धीरे धीरे अलग होता जाएगा, मशीनीकरण का शिकार हो जाएगा। ये सब चीज लिखना है। और फिर इसमें लास्ट में लिखना है कि वास्तव में नव उदारवाद जो है कल्याणकारी राज्य की कमियों के कारण आया, और जब कल्याणकारी राज्य की कमियों के कारण आया तो इसने जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ट्रिपल पी जो मॉडल है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात हम लोग करते हैं, तो इसने उसकी बात की है। और इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रतियोगिता भी होगा और साथ ही साथ राज्य का उचित हस्तक्षेप भी होगा, तो खोज होगा, अनुसंधान होगा, विज्ञान तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस तरह से लिखा जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का भी, संपत्ति की समानता शक्ति की समानता का कारण है और शक्ति की समानता स्वतंत्रता है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है सबसे पहली चीज तो यह है कि संपत्ति की समानता, तो संपत्ति की समानता शक्ति की समानता का कारण है, शक्ति की समानता का कारण है। और अभी मैं बताया कि शक्ति की समानता किससे, स्वतंत्रता। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल शक्ति की समानता लिखा है, आपको समानता, शक्ति और स्वतंत्रता इन तीनों में संबंध स्थापित करना है।
मैं आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कि इसमें जो है सबसे पहले एक भूमिका लिख दीजिए। अब भूमिका लिखने के बाद जो है, चूंकि 200 शब्द में है, तो भूमिका लिखने के बाद जो है देखा जाए तो समानता किस प्रकार से स्वतंत्रता को, कैसे स्वतंत्रता का विरोधी है, एक पक्ष ये लिख दीजिए, मतलब कि कैसे विरोधी है, और फिर जो है कैसे पूरक है, और उसको संपत्ति के संदर्भ में लिखना है, जिसमें एग्जाम्पल कुछ बताता हूं। ये बताइए, इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मनुष्य में प्राकृतिक रूप से जो है वह योग्यता और क्षमता जो है भगवान ने अलग अलग बनाया है, तो ऐसी दिशा में स्वतंत्रता यदि दिया जाएगा तो स्वतंत्रता देने से परिणाम में असमानता आएगा। अब परिणाम में असमानता आएगा तो स्वाभाविक से बात है कि संपत्ति में असमानता आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा तर्क, जिसमें बताया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, उदारवादी व्यवस्था में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि विरोधी जब विचार लिखिएगा तो इसमें नकारात्मक उदारवाद लिखना है, नकारात्मक उदारवाद लिखना है, फिर आपको जो है स्वेच्छा तंत्रवादी का भी एक लिखना है, स्वेच्छा तंत्रवादी, फिर आपको जो है अभिजनवादी भी लिख सकते हैं, अभिजनवादी विचारकों को भी लिख सकते हैं। और जब पूरक लिखिएगा तो फिर आपको मैं बताया था सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद का कुछ बात लिख दीजिए, फिर इसमें समाजवाद का भी लिख सकते हैं, मन करे तो कुछ मार्क्सवाद का भी लिख सकते हैं, बस इतना ही लिखना है। इसको समझाइए, फिर इसको समझाइए, फिर लास्ट में जो है वो मूल्यांकन कर दीजिएगा। अब मूल्यांकन में बताया था, जैसे मान लीजिए विरोधी का मैं बताया, इसी प्रकार से कुछ जो है पूरक का भी लिख देंगे। भाई ये बताइए, कुछ लोगों को हम विशेष अधिकार देंगे, तो कुछ लोगों को विशेष अधिकार देंगे तो उनकी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, और शक्ति ज़्यादा हो जाएगी तो शक्ति प्राप्त जो व्यक्ति है, विशेषाधिकार जो प्राप्त जो व्यक्ति है, वो दूसरे का शोषण करना शुरू कर देगा, जैसे पूंजीपति मजदूर का करता है। तो देख रहे हैं कि स्वतंत्रता से जो है वास्तव में किसकी सुरक्षा होती है, पूंजीपति की सुरक्षा होती है। इस तरह से मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, उसी में से दो तीन चार तरह कम से कम जो है इसमें सेट करके आप लोग लिख देंगे। जैसे और भी बताता हूं, मान लीजिए असमानता होने से क्या होगा, यदि हम मान लीजिए कहते हैं कि संपत्ति की समानता, तो हमने मान लीजिए संपत्ति की असमानता है, तो संपत्ति की असमानता होने से समाज में जो है विषमता बढ़ेगा। अब विषमता बढ़ेगा तो अधिकांश व्यक्ति क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, कुछ लोग ही अमीर बचेंगे। और इस तरह से देखा जाए तो मतदान की जो स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की जो स्वतंत्रता है, संवैधानिक पद धारण करने की जो स्वतंत्रता है, जो शक्ति प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, वो प्रभावित हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। और फिर इसके बाद इसका लास्ट में मूल्यांकन लिख दिया जाएगा कि भाई देखा जाए तो दोनों विचार तार्किक दृष्टिकोण से सही लग रहा है, लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है, पूरक। स्वतंत्रता और समानता दोनों पूरक है। स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगना चाहिए, कहीं ना कहीं राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, राज्य भी जो है सामाजिक सुरक्षा का प्रयास करे, समाज में जो है वो देखा जाए तो स्थायित्व भी जरूरी है, इसके लिए समानता भी जरूरी है, संपत्ति की समानता भी जरूरी है, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी होनी चाहिए, और साथ में स्वतंत्रता भी उपलब्ध होना चाहिए जिससे समाज में जो है खोज प्रगति को बढ़ावा मिल सके। इसी कारण जो है पूरकता का जो विचार है, स्वतंत्रता और समानता के जो पूरकता का विचार है, इसी से जो है शक्ति जो है नियंत्रित हो सकती है। इसी संदर्भ में जो है देखा जाए तो हम लोग स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानकर, शक्ति को नियंत्रित करके समाज व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ कर सकते हैं। अब यह है क्वेश्चन नंबर 2 का C। तो क्वेश्चन नंबर 2 का C समझिए, लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र की संभावना को नकारता है। मतलब पहले क्या करिए, अभिजनवादी सिद्धांत थोड़ा सा लिख दीजिए, अभिजनवादी सिद्धांत क्या है, कुछ भी इसका विशेषता भी बता दीजिए, लेकिन विशेषता 2 ही 3 लिखिए, समस्या यहाँ ज़्यादा लिखना है। अब 4 लाइन बोलता हूँ, सुन लीजिए। परंपरागत जो सिद्धांत है लोकतंत्र का, वो संख्या पर बल देता है, और अभिजनवादी सिद्धांत योग्यता की बात करता है,
और देखते हैं कि जब योग्यता की बात करता है तो जो पैरेटो है, मुस्का है, माइकल्स है, ये लोग इसके समर्थक हैं। और ये लोग कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतिक असमानता है। प्रकृति ने जो है कुछ लोगों को समाज में अभिजन बनाया है, ज़्यादा उनको बुद्धि दिया है, और ऐसी दिशा में उसको इलीट क्लास कहता है, और दूसरी तरफ नॉन इलीट क्लास होता है, और इलीट क्लास में ही गवर्निंग इलीट होता है और नॉन गवर्निंग इलीट होता है, इसी में परिवर्तन होता रहता है। और हमेशा जो है वो देखा जाए तो अभिजन वर्ग ही शासन करता है। और इस तरह से देखा जाए तो इन लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि समाज में शासक और शासित दो वर्ग पाए जाते हैं। शासक वर्ग जो है वो देखा जाए तो अल्पमत में होता है, शासक वर्ग जो है संगठित होता है, अशासित वर्ग जो है बहुमत में होता। शासित जो वर्ग है, जो जनता, वो बहुमत में है, और इस तरह से देखा जाए तो ज़्यादा संगठित तो है नहीं। और इस तरह से देखा जाए तो जो अभिजन वर्ग है उसका शासन चलता रहता है। तो इन लोगों ने ये समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में लोकतंत्र को अभिजन लोग ही जो है, इलीट क्लास के लोग ही उसको व्यवस्थित स्वरूप दे सकते हैं, क्योंकि वह योग्य है। ये लोग कहते हैं कि हर चीज़ के लिए कला चाहिए, तो शासन चलाना भी कला है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि शासन चलाने के लिए अभिजन वर्ग की आवश्यकता पड़ती है, और अभिजन वर्ग में ही परिवर्तन होता रहता है। और इस तरह से देखा जाए तो चूंकि विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है और अभिजन वर्ग में ही विशिष्ट योग्यता होता है, इसलिए अभिजन वर्ग ही शासन चलाने का हकदार है। इन लोग कहते हैं कि भाई जन आंदोलन में कोई विश्वास तो है नहीं, क्योंकि जनता ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगी, विशिष्ट वर्ग का चयन करती है। विशिष्ट वर्ग का चयन करने तक ही जनता का अधिकार सीमित है, और इस तरह से जनता की भागीदारी को ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये सब पहले लिखेंगे, और फिर लिखने के बाद मेन जो समस्या है, जो प्रश्न है, उसको लिखेंगे। ये बताइए, दो चार में जरा सा बोलता हूँ। ये बताइए, यह अवधारणा अपने आप में आत्मविरोधी है, क्योंकि लोकतंत्र समानता में विश्वास करता है, अभिजनवादी असमानता में विश्वास करता है। यही तो प्रश्न आ रहा है कि लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र की संभावना को नकारता है। लोकतंत्र की संभावना को नकारता है क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में समानता की बात होती है, लोग पहले ही असमानता को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा जैसा समस्या समझिए, ये बताइए, लोकतंत्र जनता का शासन है, बहुमत पर आधारित होना चाहिए, और ये लोग क्या कहते हैं, अल्पमत की बात करते हैं कि अल्पमत शासन करेगा। लोकतंत्र का प्रमुख लक्षण क्या होता है कि जनता जो है, जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता होनी चाहिए। ये लोग क्या करता है, जनता को गैर जिम्मेदार भीड़ मानते हैं। ये लोग उत्तरदायी शासन, ये लोग कहते हैं कि संतुलन और स्थायित्व के नाम पर जनता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो लोकतंत्र के जो है सैद्धांतिक पहलू से यह सिद्धांत मेल नहीं खाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी है। फिर आप देखते हैं कि ये लोग जो है, सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक परिवर्तन के भी विरोधी हैं, रूढ़िवादी प्रवृत्ति रखते हैं। ये सब समस्या लिखेंगे, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे, और उस मूल्यांकन में चार रैली लिखेंगे। इसने योग्यता की बात किया, और देखा जाए तो आज भी लोकतंत्र में योग्यता की बात होती है, क्योंकि योग्यता की बात यदि नहीं होगी तो लोकतंत्र में अयोग्यता का यदि पूजा होगा तो लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल सकता है। आज जो लोकतंत्र में नेतृत्व की बात होती है, जो संतुलन स्थायित्व की बात होती है, वो इसी अभिजनवादी सिद्धांत से ही आया है। बस इतना ही लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है, समकालीन राजनीति में राज्य के उदारवादी सिद्धांत का परीक्षण। तो राज्य की उत्पत्ति का उदारवादी सिद्धांत आप लोगों को लिखवा रखा हूं, वही लिखना है। पहले एक भूमिका लिख दीजिए, भूमिका लिखने के बाद जो है, मैं बताया कि दोनों चीज लिखना पड़ेगा, एक तो परंपरागत जो उदारवाद है, परंपरागत उदारवाद है उसके बारे में भी थोड़ा लिखिए, फिर जो है आधुनिक उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद है उसके बारे में लिखिए, फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा इसका समस्या भी लिखिए, फिर इसका महत्व सहित मूल्यांकन करिए, महत्व सहित इसका मूल्यांकन करिए, जो आप लोगों की कॉपी में लिखा भी है। जैसे मान लीजिए कैसे लिखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का ये जो सिद्धांत है, पंद्रहवीं सोलहवीं जो सदी थी, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, पुनर्जागरण काल, इन सब चीज़ों के बाद ये राज्य के उदारवादी सिद्धांत को बढ़ावा मिला। और जानते हैं कि उदारवादी सिद्धांत को बढ़ावा मिला तो ये लोग क्या मानते हैं, व्यक्ति को साध्य मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं। सब लोग मानते हैं कि राज्य का निर्माण व्यक्ति की आवश्यकता के लिए किया गया,
राज्य मानव निर्मित संस्था के रूप में है और कहीं ना कहीं बदलती परिस्थिति के अनुरूप जो है वो देखा जाए तो इसमें परिवर्तन भी हुआ। पहले जो है परंपरागत उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद की बात की गई, फिर आधुनिक उदारवाद का बात हुआ, फिर नव उदारवाद की बात हो रही है। इस तरह से एक भूमिका पर लिख दिया जाएगा, फिर इसके बाद परंपरागत उदारवाद के बारे में बताया जाएगा, फिर आधुनिक उदारवाद के बारे में बताया जाएगा, फिर थोड़ा समस्या और समकालीन राजनीति में राज्य के उदारवादी सिद्धांत का परीक्षण। तो ये जो महत्व है वह वर्तमान संदर्भ में किया जाएगा। तो जो मैंने आपको उदारवाद का महत्व लिखवाया हूँ उसी उदारवाद के महत्व को लाकर यहाँ महत्व लिख देंगे और समस्या में उसी को समस्या लिख देंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का भी अब देखिए, यह प्रश्न है कि मानव अधिकार जटिल विवादित सामाजिक प्रथा है जो व्यक्तियों, समाज और राज्य के बीच संबंधों को सुव्यवस्थित करता है। अब देखिए, जिसमें बताया कि ये जो प्रश्न है कि मानव अधिकार जटिल और विवादित, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर भी जो क्वेश्चन है उस डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, उससे भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। छोटा स्क्रीन होता है तो कभी कभी नहीं दिखाई देता आप लोगों को। इसमें मानव अधिकार की जो अवधारणा है उसकी समस्या पर ज़्यादा फोकस करना है कि मानव अधिकार की समस्या का मतलब ये हुआ कि पहले क्या करिए, कुछ मानव अधिकार के बारे में लिखिए, पहले भूमिका लिखिए, फिर कुछ मानव अधिकार का विशेषता बताइए, फिर इसके बाद मानव अधिकार की समस्या थोड़ा ज़्यादा लिखिए, कम से कम 5-6 पॉइंट लिखिए, ये बताइए मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार ऐसा अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है, मानव होने की पूर्व शर्त स्वरूप है, जिससे जिसके बिना मानव गरिमापूर्ण जीवन मानव का संभव नहीं है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सकता है। इसी चीज को 10 दिसंबर 1948 के घोषणापत्र में लिखा गया, जिसपे कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा क्षेत्र का हो, किसी भी देश का हो, भेद बिना भेदभाव के सबको कुछ मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि मूलभूत है, इसको व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके बिना जो है मानव होना संभव ही नहीं है। इस तरह से कुछ लिखेंगे और इस तरह से जो है लिखने के बाद फिर सीधा सा इसमें जो है विशेषता लिखने के बाद कुछ समस्या लिखेंगे कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि मानव अधिकार की जो संकल्पना है वो विश्वव्यापी व्यापी घोषणा पत्र है, कोई वैधानिक प्रलेख तो है नहीं, सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर रखता है। यही तो प्रश्न कर रहा है कि व्यक्ति समाज और राज्य के बीच संबंधों को सुव्यवस्थित करता है, इसके महत्व पर बल दिया जाएगा, लेकिन पहले समस्या को लिखा जाएगा या पहले महत्व भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रश्न जो है वो देखा जाए तो मानव अधिकार जटिल विवादित सामाजिक प्रथा है जो व्यक्ति, समाज और राज्य के बीच संबंधों को सुव्यवस्थित करता है, तो कैसे, तो पहले आप उसी को लिख दीजिए, बाद में समस्या सहित मूल्यांकन करिएगा। ये बताइए सबसे बड़ा महत्व क्या है। सबसे बड़ा महत्व मानव अधिकार का यही तो है कि मानव अधिकार जो है मानव के रूप में जो है अधिकारों को मान्यता देता है, न कि किसी समूह के रूप में, न कि किसी विचारधारा, रंग, नस्ल के रूप में। ये बताइए, प्रत्येक व्यक्ति की समानता में विश्वास करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की समानता में विश्वास करेगा तो ये जो समाज है, ये जो समाज है, समाज की अवधारणा मजबूत होगी ना। और अभी मैं बताया कि दूसरा सबसे बड़ा महत्व क्या है कि मानव अधिकार नैतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मानता है कि मूलभूत अधिकारों के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा तभी तो व्यक्ति जो है वो देखा जाए तो अच्छा मानव बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य हो, समाज हो, सत्ता हो, उसके हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। मानव अधिकार जो है विश्व में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त होता है, ऐसी दिशा में जो है जो अधिकार है, अधिकार की रक्षा को जो है वैश्विक समस्या के रूप में देखा जाता है। यह राष्ट्र राज्य से एक तरह से कह सकते हैं कि परे है, यह अंतर्राष्ट्रीयतावाद को बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं जो है समाज और राज्य के बीच संबंधों को व्यवस्थित करेगा। भाई समाज पर व्यक्ति कब विश्वास करेगा, जब समाज व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं बताया कि मानव अधिकार जो 1 से लेकर 30 तक जो अनुच्छेद में लिखा गया, यूएन के क्लाज में लिखा गया, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये व्यापक प्रलेख के रूप में है।
इसमें उदारवादी, मार्क्सवादी सब तरीके का बात लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब सांस्कृतिक, सभी अधिकारों की बात की गई है। इस तरह से देखते हैं कि ये किसी प्रकार का जो है वो देखा जाए तो अंतर्द्वंद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। इस तरह से महत्व लिखेंगे और फिर इसकी समस्या एक दो रखकर मूल्यांकन कर देंगे। अरे भाई, सबसे बड़ी बात अभी जो बता रहा था, सिद्धांत तो व्यवहार में ही अंतर है। अब बहुत सारी चीजों को आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये बताइए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका उल्लेख होना चाहिए था, बेरोजगारी, बेगार, तमाम जो चीजें, अल्पसंख्यक की सुरक्षा, इन सब चीजों का स्पष्टता उल्लेख भी नहीं है। ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई न्यायालय भी नहीं है, भले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो लेकिन उसकी स्थिति कमजोर है। ऐसी दिशा में देखा जाए, अब मानव अधिकार के नाम पर पश्चिमी देश शोषण भी करते हैं, इस तरह से करके इसकी समस्या लिखा जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 83, हाब्स की सर्वाधिकारवादी विचारधारा में व्यक्तिवाद अंतर्निहित लिखवा रखा हूं। हाब्स प्रथम व्यक्तिवादी विचारक है, पूरा ही लिखवा रखा हूं। अब इसमें क्या करना है, उसी को तो लिखना है। सबसे पहले भूमिका लिख दीजिए, कहीं ना कहीं कैसे व्यक्तिवाद है उसके बारे में चर्चा कर दीजिए, फिर इसका मूल्यांकन लिख दीजिए। समस्या सही थोड़ा बोल देता हूं। ये बताइए, हाब्स के दर्शन में देख रहे हैं कि निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया गया है और दूसरी ओर हाब्स ने व्यक्ति पर भी बल दिया। इसीलिए तो डनिंग ने अपनी किताब में लिखा कि हाब्स के दर्शन में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। अभी व्यक्तिवादी क्यों? क्योंकि हाब्स व्यक्तिवाद होता क्या है? व्यक्तिवाद व्यक्ति केंद्रित दर्शन है, जहां पर जो है व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, राज्य को जो है साधन माना जाता है और यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वह राज्य कृत्रिम संस्था है, मानव निर्मित संस्था है, यही तो व्यक्तिवाद है। तो हाब्स के दर्शन में इसी को दिखाना है कि कैसे वो व्यक्तिवादी है। ये बताइए, हाब्स ने जो मानव का व्यवहार बताया, जो प्राकृतिक अवस्था बताया, वो व्यक्तिवाद के ही तो अनुरूप है। हाब्स व्यक्ति को असामाजिक प्राणी मानता है, स्वार्थी मानता है, आत्मकेंद्रित मानता है, अहंकारी मानता है, तो व्यक्तिवाद का यही तो मनोवैज्ञानिक आधार है। व्यक्तिवाद भी तो व्यक्ति के अपने हितों को प्राप्त करने वाला ही प्राणी मानता है। दूसरा बात देखिए, ऐसे तीन चार जो तर्क लिखवा रखा हूं उसी तर्क को लाकर लिखना है, मैं तो आप लोगों को तीन चार पेज में लिखवा रखा हूं। ये बताइए, व्यक्तिवादी की भांति हाब्स स्वीकार करता है ना कि राज्य कोई प्राकृतिक और दैवी संस्था नहीं है, मानव निर्मित संस्था है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन करता है, लिवियाथन की बात करता है और कहता है कि व्यक्तियों ने राज्य को बनाया है। और तीसरा बात देखिए, हमें कहते हैं कि व्यक्तिवादियों की तरह हाब्स भी तो इस बात को मानता है कि राज्य साधन के रूप में है, क्योंकि वो कहता है सेल्फ जो है प्रिजर्वेशन की बात करता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करता है, आत्मरक्षा की बात करता है, जीवन रक्षा के लिए राज्य बनाया गया है। यदि राज्य जीवन रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो विरोध किया जा सकता है। हाब्स ने राज्य, अब और भी सोचिए, ये बताइए, उसने राज्य के विरोध करने की बात किया कि जीवन का अधिकार दिया। और सबसे बड़ी बात है, हाब्स ने राज्य को सीमित कार्य सौंपा है, सब कार्य नहीं सौंपा है, कल्याणकारी राज्य की बात नहीं कर रहा है, ये तो व्यक्तिवाद है। इसका एक मूल्यांकन लिखवाया था, उसी को मूल्यांकन लिख देंगे। ये बताइए, हाब्स के दर्शन में संप्रभु की निरंकुश शक्ति जो है वो देखा जाए तो संप्रभु की निरंकुश शक्ति और दूसरी तरफ व्यक्तिवाद की जो बात हो रही है उसमें विरोधाभास है। लेकिन मैं लिखवाया था आप लोगों को कि ये समय और परिस्थिति के कारण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चार्ल्स प्रथम की जो हत्या हुआ उससे उत्पन्न जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ, गृहयुद्ध हुआ, जो अराजक की स्थिति बना, उसके कारण निरंकुश शासन का उसने समर्थन किया। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पुनर्जागरण काल के बाद जो पूंजीवादी वर्ग का उदय हो रहा है, तो समाज में व्यक्ति के बढ़ते महत्व की रक्षा करने के लिए व्यक्तिवाद को महत्व दिया। तो उसके दर्शन में विरोधाभास जो है उसका मूल कारण यह है कि वहां की जो परिस्थिति थी उसके कारण लगता है कि हाब्स तानाशाही का दर्शन देता है, लेकिन तानाशाही के दर्शन के साथ, निरंकुश दर्शन के साथ जो है व्यक्तिवाद का भी समर्थन करता है। वही लिखना है, आप लोग कॉपी में देखिए लिखा होगा। चार का एक, डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा समतावादी न्याय की ओर ले जाती है, इसकी तुलना में राल्स के निष्पक्षता के रूप में न्याय का उद्देश्य शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है। टिप्पणी करें, इसमें दोनों चीज लिखना है,
डॉक्टर अंबेडकर का लिखना है, डॉक्टर अंबेडकर का पहले सामाजिक न्याय लिखना है और फिर उसके बाद राल्स का न्याय सिद्धांत लिखना है, फिर दोनों की तुलना कर देना है। बस इतना ही प्रश्न है कि दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में लिख देंगे, फिर राल्स के बारे में लिख देंगे। भाई हमें कहते हैं कि जैसे अम्बेडकर साहब ने जो है जो सामाजिक न्याय का विचार दिया, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, इन सब चीज़ों का विरोध किया, और फिर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो है जाति विभेद के पीछे जो तर्क दिया उसका वैज्ञानिक आधार बताया, तार्किक आधार बताया कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जाति प्रथा के कारण उन्होंने बताया कि जाति प्रथा के कारण जो है कुछ जातियाँ अन्य जातियों का शोषण भी करती हैं, मानव अधिकार का हनन भी होता है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ी बात है कि इसी जाति व्यवस्था के कारण जो है वो हिंदू समाज बिखर गया, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि जाति व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, लोकतंत्र जैसे जो मूल्य हैं उसके विरुद्ध भी है। इसीलिए तो उन्होंने अपनी किताब जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जो है तमाम सुझाव भी लिखा, जो आप लोगों की कॉपी में लिखवाया। तो थोड़ा सा पहले डॉक्टर अम्बेडकर साहब का सामाजिक न्याय लिखेंगे, फिर राल्स का न्याय सिद्धांत लिखेंगे, और राल्स का नया सिद्धांत लिखेंगे तो उसमें भी कुछ बता देंगे। जैसे मैं राल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी था कि राल्स के बारे में जो है उसको लिखेंगे कि भाई ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में राल्स ने जो न्याय सिद्धांत दिया उसमें स्वतंत्रता समानता मिलाने का प्रयास किया, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को लागू करने का प्रयास किया, और उसने कहा कि न्याय न्याय संगत होना चाहिए। उसने जो है वो देखा जाए तो ये कहा कि सबसे पहले स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए, बाद में जो है उसके बाद अवसर की समानता को बढ़ावा देना चाहिए, फिर हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिले इसकी बात होनी चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो उसने जो है राल्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जो अज्ञान का पर्दा और तमाम जो चीज़ें आप लोगों को बताया था उन सब चीज़ों के माध्यम से जो है राल्स ने अपना न्याय सिद्धांत दिया। और राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में जो है देखा जाए तो एक प्रकार से स्वतंत्रता समानता को जो है समन्वय करने का प्रयास किया, विभेद के माध्यम से देखा जाए तो सामाजिक न्याय की भी बात किया, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, और फिर लिखने के बाद दोनों में तुलना करेंगे, दोनों में अंतर बता देंगे, थोड़ा सा समानता लिख देंगे भाई अंतर क्या है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो सिद्धांत है आप देख रहे हैं कि जाति प्रथा और तमाम चीज़ों पर केंद्रित है, राल्स का सिद्धांत जो है एक वैश्विक सिद्धांत है, वो जाति व्यवस्था और इसकी बात नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को व्यापक संदर्भ में देखने का प्रयास कर रहा है। दूसरा जो अंतर सबसे बड़ा है कि अम्बेडकर साहब ने जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व में संबंध स्थापित नहीं किया, राल्स ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व में संबंध स्थापित किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है जो भी लिखा है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, कि राल्स का जो दर्शन है भाई अम्बेडकर साहब का जो दर्शन है उसमें आरक्षण और तमाम चीज़ों की बात की गई, मतलब अवसर की समानता देने से पहले ही आरक्षण की बात हो गई। उसने कहा कि नहीं, सबसे पहले प्रतियोगिता होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ दिया जाए, ऐसे अंतर लिखा जाएगा, फिर दोनों में जो है और कुछ समानता या दोनों में पूरकता लिखकर उसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा। कुछ समाचार का भी, ग्राम सभा के साथ पंचायती इस प्रकार संगठित हो कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर सके। ग्राम स्वराज के संदर्भ में, तो ग्राम स्वराज के संदर्भ का मतलब गांधी जी का विचार लिखना है, उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की, तो देखा जाए तो उसको थोड़ा संविधान से भी जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन पहले गांधी जी से शुरुआत करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो है वो देखा जाए तो एक पहले भूमिका लिखेंगे, भूमिका लिखने के बाद जो गांधी जी का दर्शन है, जो स्वराज की अवधारणा है, उसका एक सिद्धांत लिखा जाएगा, और सिद्धांत में जो है वो पंचायती व्यवस्था को जोड़ा जाएगा, इस पंचायती व्यवस्था को जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद एक मूल्यांकन लिखेंगे, मूल्यांकन में जो है समस्या और महत्व अलग भी कर सकते हैं। स्वराज में पढ़ाया भी था आप लोगों को, भाई स्वराज का मतलब गांधी जी का मतलब क्या था, स्वयं अपना शासक होना, अपने आप को नियंत्रित करना। आप देखते हैं कि आधुनिक भारत में जो है तिलक हुए, नौरोजी साहब हुए, स्वस्ती, दयानंद स्वस्ती आदि विचारकों ने जो है ये सब विचार स्वराज का दिया था। तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिपिन चंद पाल साहब ने कहा था कि अंग्रेजी शासन से मुक्ति की बात किया। तो अधिकांश विचारकों ने जो है देखा जाए तो राजनीतिक स्वाधीनता पर ज़्यादा बल दिया, लेकिन गांधी जी का विश्लेषण व्यापक है, यह नैतिक अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है।
और ये कहा गया कि सभी प्रकार की पराधीनता से मुक्ति के रूप में गांधी जी ने स्वराज को देखने का प्रयास किया। गांधी ने माना कि भौतिक अभौतिक दो तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है, और अभौतिक तत्व क्या है? आत्मा है। इस आत्मा का शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए, शारीरिक स्वार्थ और इच्छा को द्वितीयक माना जाना चाहिए। इसे गांधी ने स्वराज कहा। गांधी ने कहा कि स्वराज जो है एक नैतिक मूल्यात्मक अवधारणा है, व्यक्ति को नैतिक विकास करने पर बल देता है। सबसे बड़ी बात है कि समाज कल्याण की जो भावना से प्रेरित होकर कार्य करने पर बल देता है, वही तो पंचायती व्यवस्था है, वही तो कृषि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की बात है। स्वराज का अर्थ जो है नैतिक व्यक्ति के रूप में कार्य करना है, अपने कर्तव्यों पर ज्यादा ध्यान देने की बात गांधी जी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि ऐसा करने में सफल हो जाता है तो समाज में अनैतिक कार्य नहीं होगा, और इस तरह से देखा जाए तो कानून जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांधी ने समझाया। और गांधी ने कहा हिंद स्वराज में गांधी ने स्वराज का जो खाका तैयार किया था उसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वराज, ग्राम स्वराज, आर्थिक स्वराज, सामाजिक स्वराज सब अवधारणा दिया था। उसकी थोड़ी व्याख्या लिखनी पड़ेगी और वर्तमान पंचायती व्यवस्था से जोड़ना पड़ेगा, फिर उसका एक मूल्यांकन लिख दिया जाएगा। अलग से समस्या भी गांधी जी का लिख सकते हैं, अलग से महत्व भी लिख सकते हैं, क्योंकि 200 शब्दों का है तो अलग भी कर सकते हैं कि गांधी जी द्वारा जो प्रस्तुत स्वराज की अवधारणा है वो व्यापक कंसेप्ट, यह केवल अपने ऊपर अपने राज्य की बात नहीं हो रही है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसके प्रयोग करने की बात हो रही है। इसी के कारण गांधी जी का स्वराज जो है ग्राम सभा के साथ जो पंचायत है, जो कृषि विकास है, औद्योगिक विकास है, सब चीजों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। गांधी जी का स्वराज हृदय परिवर्तन पर आधारित है, समान अधिकारों पर आधारित है। इस तरह से उसका मूल्यांकन लेकिन अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, न्याय के पात्रता सिद्धांत का परीक्षण, एग्जामिन द इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इंटाइटलमेंट थ्योरी किसका है? नोजिक का है। देखिए आप लोगों के कॉपी में उसमें हकदारी न्याय का सिद्धांत, अधिकारिक न्याय का सिद्धांत, इंटाइटलमेंट थ्योरी लिखवा रखा हूँ। ये बताइए इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिद्धांत का परीक्षण करें तो पहले तो एक भूमिका लिख दीजिए, भूमिका लिखने के बाद कुछ विशेषता बता दीजिए, विशेषता बताने के बाद जो है कुछ समस्या लिख दीजिए, समस्या के बाद जो है महत्व सहित इसका मूल्यांकन कर दीजिए। तो नोजिक ने जो किताब लिखा था एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, नोजिक ने जो किताब लिखा था एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इसी पुस्तक में उसने जो है पात्रता का सिद्धांत, इसी को हकदारी न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं, हकदारी न्याय, हकदारी न्याय का सिद्धांत उसने दिया था। और हकदारी न्याय के सिद्धांत का मतलब यह है कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है, तो वितरण के स्तर पर असमानता आएगा। इसका मतलब यह है कि बाजार व्यवस्था की बात करता है। इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस में उसने जो है इसी को हकदारी कहा जाता है। इसका मतलब है कि वैध तरीके से जो कुछ भी व्यक्ति प्राप्त करता है या जिसका हकदार है उसे वह मिलना चाहिए। तो न्यूनतम राज्य की अवधारणा की बात करता है, बाजार व्यवस्था की बात करता है, प्रतियोगिता की बात करता है, पुलिस राज्य की बात करता है। वो कहता है ना कि फ्रॉम ईच एज दे चूज टू ईच एज दे आर चूजन, सबको वही जिसका वह चुनाव करे, सबको वही जो कि उन्होंने चुनाव किया है। चालन पहले भूमिका लिखेंगे, अब भूमिका लिखने के बाद जो है फिर इसका विशेषता बताएंगे कि व्यक्तियों के अधिकार को इसने पवित्र माना। और ये कहा कि किसी भी परिस्थिति में जो है इसका हनन सहन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के बिना, व्यक्ति के सहमति के बिना जो है उसके अधिकार पर बंधन नहीं होना चाहिए। दूसरा बात तो कहता है कि सामाजिक हित नाम का कोई हित नहीं होता है, केवल व्यक्ति ही है जो अपने अपने ढंग से अपना जीवन जीता है, व्यक्ति ही मूल इकाई के रूप में है। अब फिर आप देखते हैं ऐसे 3-4 विशेषता उसका लिखा जाएगा। अब देखते हैं कांट की तरह नोजिक ने भी मान लिया कि व्यक्ति ही स्वयं में साध्य है, व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कार्य दोनों स्थिति में उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, वह अपनी योग्यता और क्षमता का स्वामी है, उसके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन जो है नहीं होना चाहिए। चौथा बात कहता है नोजिक ने न्याय सिद्धांत के लिए न्यूनतम राज्य का समर्थन किया और कहा कि राज्य को केवल जो है
वह सुरक्षा का कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ सके। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विरोध करता है और वो कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और ये मानता है कि वितरण की प्रक्रिया जो है ज़्यादा हस्तक्षेप करने से प्रभावित हो जाती है। और फिर एक प्रकार से नोजिक देख रहे हैं कि नकारात्मक उदारवाद की तरफ जा रहा है। वो कहता है जैसे एडम स्मिथ जो है वो देखा जाए तो मांग और पूर्ति की बात करता था, अदृश्य हाथ का सिद्धांत की बात करता था, आर्थिक मानव की बात करता था, ये भी उसी तरह से स्वीकार करता है। और ये कहता है कि व्यक्ति होने के कारण व्यक्ति के पास अधिकार है, न्याय इन अधिकारों की रक्षा करता है, इस तरह से उसकी विशेषता लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि नोजिक एक प्रकार से जो है लाक ने जो अवधारणा दिया था संपत्ति वाला आया भी था तो लाक की अवधारणा का ही समर्थन किया है। व्यक्ति के अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को जो लाक ने शामिल किया था, संपत्ति के अधिकार को व्यापक माना था, तो ये भी उसी तरह से मानता है। इस तरह से लिखेंगे, कुछ समस्या लिख देंगे। ये बताइए, नोजिक का न्याय सिद्धांत अधिकार एवं संपत्ति का सिद्धांत व्यक्तिवाद और मुक्त बाजार का गुणगान करता है। सामाजिक मनुष्य के लिए संभव नहीं है, सामाजिक न्याय से मेल नहीं खाता है। और ये कहता है कि व्यक्ति का अधिकार अनुल्लंघनीय है, उल्लंघन नहीं हो सकता है। यदि ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो समाज में अराजक की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा, समाज का अहित हो सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से नोजिक का अवधारणा मेल नहीं खाता है। यदि ऐसा आप मान लेंगे तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही अवैध हो जाएगा। इसका न्याय सिद्धांत अपने आप में भी तो अस्पष्ट है। न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब टू सेंथिसिस, जोड़ना। तो जोड़ने की व्यवस्था थोड़े न, तो तोड़ने की व्यवस्था है। ये तो यथास्थितिवाद का समर्थन कर रहा है, तो न्याय के मापदंड पर भी खरा नहीं उतरता है। आजकल पर्यावरणवादी भी इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि न्याय सिद्धांत में यदि ऐसा मान लेंगे तो समाज का अहित हो जाएगा, पर्यावरण संकट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्टिव एक्शन से जुड़ा हुआ पर्यावरण की अवधारणा है और ये व्यक्तिवाद की अवधारणा को ज़्यादा बल दे रहा है। फिर इसका महत्व लिख देंगे, जो मैं महत्व आप लोगों को लिखवाया भी था। अरे भाई, इन सब समस्याओं के बावजूद भी नोजिक का जो सिद्धांत है प्रगति और विकास को रेखांकित करता है, क्योंकि व्यक्तिवाद की बात करता है, खोज अनुसंधान की बात करता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। ये खोज अनुसंधान की बात करता है तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करता है, और वर्तमान सामाजिक अवधारणा से भले न मेल खाए लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान नव उदारवाद चल रहा है, जो वर्तमान विश्व व्यवस्था चल रहा है, इस विश्व व्यवस्था की मान्यता को इसने पहले ही बता दिया कि वैश्वीकरण में या विश्व व्यवस्था में किस प्रकार की प्रकृति चलेगी, तभी तो आज विश्व में संघर्ष हो रहा है। इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये जो है मैं बताया कि 1 से 4 तक जितने प्रश्न थे उसको मैंने कर दिया। अब आपका जो है वह पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो पेपर फर्स्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हो गया। अब हम लोग दूसरे वीडियो में जो है 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। सभी लोगों का धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।